नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। यह लाइन अगर किसी से बिल्कुल ही मेल खाती है तो वो है एक साधारण से परिवार में पैदा हुई प्रियंका चोपड़ा पर, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल्स की वजह से अपना नाम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। और उनकी बढ़ती कामयाबी की वजह से उन्हें अब भारत की मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी के लिस्ट में भी गिना जाता है। और दोस्तों, होम टाउन यूपी और बिहार से लेकर यूएस तक का सफर इनका काफी शानदार रहा और यह लोगों की पहली पसंद बनकर उभरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम पिगी चोप्स के नाम से फेमस चुलबुली प्रियंका की लाइफ स्टोरी को और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक समय रंग भेद का शिकार हुई प्रियंका ने अपने शानदार काम से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1982 से, जब उस समय बिहार के जमशेदपुर में प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अशोक चोपड़ा और माँ का नाम मधु चोपड़ा है, जो कि आर्मी में एक फिजिशियन के तौर पर काम करते थे। और आर्मी में होने की वजह से उनका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर होता रहता था और इसीलिए प्रियंका का बचपन दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे जैसे अलग अलग जगहों पर बीता। लेकिन बरेली में सबसे ज्यादा समय बिताने की वजह से प्रियंका इसे ही अपना होम टाउन मानती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लॉ मॉल्टीनियर गर्ल्स स्कूल और बरेली के सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज से की। हालांकि मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए वह अपनी आंटी के घर यूएस चली गई, जहां पर उन्होंने न्यूटन मैसाचुसेट्स और सीडर रैपिड स्कूल से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया। और इसके अलावा वह पढ़ाई के साथ साथ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक और कथक डांस की ट्रेनिंग भी लेती रही। हालांकि दोस्तों, यहां पर पढ़ाई के दौरान प्रियंका के क्लासमेट्स उनके रंग को लेकर उन्हें चिढ़ाते रहते और उन्हें अक्सर ब्राउनी कहकर बुलाया करते थे। और प्रियंका ने इन दिनों को याद करते हुए बताया कि वह उस समय तक एक शर्मेली और कम आत्मविश्वास वाली लड़की थी। और फिर यूएस में 3 साल पढ़ाई करने के बाद प्रियंका वापस इंडिया आ गई और फिर बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल से उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट किया। और इसी दौरान मेक विन नाम के एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रियंका की माँ ने प्रियंका को पार्टिसिपेट करवाया और प्रियंका चोपड़ा ने माँ की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इस कॉन्टेस्ट को जीता भी। और फिर एक छोटी ही सही लेकिन सफलता हाथ लगने के बाद से प्रियंका ने बड़ी सफलता की ओर भी कदम बढ़ा दिए और साल 2000 में हुए फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके वह दूसरे स्थान पर रही। और फिर यहां से आगे चलकर मिस वर्ल्ड 2000 का ताज भी उन्होंने अपने सर पर सजाया और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और फिर एक बार मिस वर्ल्ड बन जाने के बाद से प्रियंका चोपड़ा को फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे थे और इसीलिए बैचलर की पढ़ाई के लिए उन्होंने इनरोल तो किया लेकिन कभी भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। और फिर 2002 में आई थमिजहन नाम की एक तमिल फिल्म से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के एक गाने में उन्होंने अपने सिंगिंग का टैलेंट भी लोगों को दिखाया। और फिर इसके बाद से साल 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई नाम के एक फिल्म से प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में भी अपना कदम रखा और प्रियंका चोपड़ा की पहली ही फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। और फिर इसी साल उन्होंने अक्षय कुमार के साथ अंदाज फिल्म में भी काम किया और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। और फिर बस यहाँ से तो प्रियंका चोपड़ा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, क्रिश, फैशन, मैरीकॉम, रावण, बाजीराव मस्तानी, बर्फी और रामलीला की तरह ही बहुत सारे शानदार फिल्मों में वह काम करती रही। और उनके फिल्मों की पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, प्रियंका ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में अपने पापा को अपना आइडल बताया है। हालांकि उनके पापा जून 2013 में ही कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन पापा को हमेशा याद रखने के लिए प्रियंका ने अपने हाथ पर डैडीज लिल गर्ल का टैटू बनवाया है। और फिर बॉलीवुड की फिल्मों पर राज करने के बाद से उन्होंने ABC स्टूडियो के साथ डील साइन की और क्वांटिको नाम की एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज में भी काम किया और यह सीरीज 27 सितंबर 2015 से 3 अगस्त 2018 तक ब्रॉडकास्ट हुई थी। और इस टीवी सीरीज में उनके शानदार काम के लिए उन्हें पीपल्स च्वाइस अवार्ड से भी नवाजा गया और यह अवार्ड पाने वाली वह पहली साउथ एशियन एक्ट्रेस बनी। और फिर इसके बाद से उन्होंने 2017 में हॉलीवुड फिल्म बेवॉच और 2018 में अ किड लाइक जैक नाम की मूवी में भी शानदार काम किया। और दोस्तों, एंटरटेनमेंट के फील्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें 5 कैटेगरीज में नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले हुए हैं। साथ ही भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा गया है।
और 2016 में टाइम्स ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड के लिस्ट में भी उन्हें शामिल किया है और 2017 में वह फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। और दोस्तों, हॉलीवुड में काम करने के दौरान ही उनकी दोस्ती निक जोन्स नाम के एक आदमी से हुई, जो कि आगे चलकर प्यार में बदल गई। और इसी वजह से 2 दिसंबर 2018 को निक और प्रियंका शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और दोस्तों, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रियंका ने खुद का फाउंडेशन भी शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने द प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन रखा है। और यह फाउंडेशन बेसिकली गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके अच्छे हेल्थ के लिए काम करती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा की। उम्मीद करते हैं कि उनके लाइफ की यह इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।